हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा एकेडमी। बेटा, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज और सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मीन्स चार्ज क्या है बेटा, किसी भी मैटर के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वह या तो प्रोड्यूस करेगा या फिर एक्सपीरियंस करेगा क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट हम लेते हैं वो लेते हैं बेटा कूलम। और एलिमेंट्री चार्ज जो कि नेचर का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज हम ये मानते हैं कि जो एग्जिस्ट करेगा, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और ये जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करता है बेटा, एग्जिस्ट करता है। फर्दर हम बात करते हैं बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है चार्ज इज कैरिड बाय मटेरियल। मीन्स चार्ज जो है किसी भी मटेरियल के ऊपर ही एग्जिस्ट कर सकता है। सपोज हमारे पास है एक सोडियम का एटम और जो कि न्यूट्रल है, इस पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दोनों बराबर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिमूव किया तो इसके ऊपर क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। मीन्स चार्ज इज़ कैरिड आउट बाय मटेरियल। मीन्स कोई मटेरियल होगा तो उसके ऊपर ही चार्ज एग्जिस्ट करेगा, विदाउट मटेरियल चार्ज जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है आपका रबिंग क्रिएट इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स यदि हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करेंगे तो उसकी वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं और चार्जिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो जाता है या उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलर चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वाइल क्रिएटिंग ए चार्ज वी कैन नॉट क्रिएट ए सिंगल चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जब भी हम चार्ज को क्रिएट करेंगे तो हम जो है कभी भी सिंगल चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पर हमने क्या किया था, एक पॉजिटिव चार्ज हम क्रिएट करना चाहते थे लेकिन उसके साथ एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। तो एक नेगेटिव चार्ज हमारा साथ में जो है एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो पेयर में बनते हैं, ना कि सिंगल चार्ज बनता है। नेक्स्ट, व्हेन टू अपोजिट चार्ज कम इनटू कॉन्टैक्ट दे प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक स्पार्क। मतलब दो चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, स्पार्किंग होती है, स्पार्क होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है बेटा एडिटिविटी। इसका मतलब चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड फॉलो एलजेब्रिक मेथड ऑफ एडिशन। मतलब चार्ज को हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो है 5 कूलम चार्ज है, और यदि इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज और हो जाए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 7 कूलम चार्ज आ जाएगा। मतलब सिंपली यहाँ पर एडिशन होगा, यहाँ पर कोई जो है वेक्टर एडिशन नहीं होता, यहाँ पर सिंपल जो एलजेब्रिक एडिशन है वैसा एडिशन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है बेटा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या कहता है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मतलब यदि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकाला, तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा बेटा, ई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ से बाहर निकाला। यदि हम एक और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दें तो यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, उतना चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। यदि एक और इलेक्ट्रॉन को हम इससे बाहर निकालेंगे तो किसके बराबर बेटा, 3 टाइम ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, उसके बराबर जो है यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज होगी वो किसके इक्वल बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉन का क्या होगा चार्ज, और जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो आपके किस पे डिपेंड करेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन को हमने उससे रिमूव किया है।
तो इससे एक और चीज़ हमें पता लगती है कि जो चार्ज है बेटा वो आपका कैसा होता है, वो कभी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होता है। सपोज यदि मैं आपसे पूछूं क्या 2 × 10⁻¹⁹ क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो चार्ज है वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेटा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि 1.6 × 10⁻¹⁹ एग्जिस्ट करेगा, या फिर जो है 3.2 × 10⁻¹⁹ एग्जिस्ट करेगा, इसके बीच का जो चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कौन बताता है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट बेटा, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट होगा किसके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब चार्ज जो है ना तो वो किसी स्पीड पे डिपेंड करता है ना, कि किसी ऑब्जेक्ट की हम स्पीड को बढ़ा दें तो उसमें चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब चार्ज जो है वो क्या है, इनवेरिएंट होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है बेटा, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट ए चार्ज, द नंबर ऑफ चार्ज इन द नेचर आर कॉन्स्टेंट, वी कैन ओनली ट्रांसफर इट। मीन्स जो नेचर के अंदर जो टोटल चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है, ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब नेचर का जो टोटल चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है। सपोज यहाँ पर हमने क्या किया था बेटा, सोडियम से एक पॉजिटिव चार्ज बनाया और एक नेगेटिव चार्ज बनाया। अब ये पॉजिटिव यदि बनेगा तो उसके साथ क्या होगा बेटा, इन पेयर नेगेटिव चार्ज भी बनेगा, तो नेट चार्ज यहाँ पर क्या होगा, फाइनली जीरो होगा। नेट चार्ज यहाँ पर क्या हुआ, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं बेटा, जैसे जो है एनहिलेशन है, इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस वेयर वन इलेक्ट्रॉन एंड वन पॉजिट्रॉन कोलाइड, बोथ आर डिस्ट्रॉय एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी, नेट चार्ज रिमेन जीरो। यदि हम देखें कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये हमारे पास क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, जब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो वहाँ पर क्या बनती है, एनर्जी। जैसा हमने इससे रिलेटेड एक पढ़ा भी होगा बेटा, E इज इक्वल टू क्या होता है, mc2। मतलब हम मास से क्या कर सकते हैं, एनर्जी को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि चार्ज जो है वो आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलेंगे तो वहाँ पर हमारी क्या बनेगी बेटा, एनर्जी बनेगी, और एनर्जी के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, तो यहाँ पर जो है चार्ज आपका कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट है पेयर प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इट इज़ द प्रोसेस इन विच हाई एनर्जी जो है गामा रे स्ट्राइक ए हैवी मेटल एंड ए पेयर ऑफ पार्टिकल आर प्रोड्यूस। मतलब यदि हम गामा रेज को किसी हैवी पार्टिकल के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और साथ में क्या होगा बेटा, पॉजिट्रॉन बनेगा। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन बनता है तो उसके साथ क्या होगा बेटा, पॉजिट्रॉन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि चार्ज जो है वो कैसा होता है, नेचर के अंदर कंजर्व होता है। तो ये था हमारा टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे के सारे टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।